यहाँ पे उल्टा बोर्ड लगा हुआ, देखते हैं कहाँ का है। वही है, सुंदरावन ही है दोस्तों। इस हिसाब से बहुत बड़ा गांव है, ग्राम सुंदरावन। यह है ग्राम सुंदरावन का पानी टंकी और शायद यह धान खरीदी मंडी भी है, ग्राम पंचायत सुंदरावन। यह है निस्तारी तालाब ग्राम सुंदरावन, और ये है आपका उनका गोठान, ग्राम सुंदरावन का गोठान। अब लगभग हम वटगन पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों, 5 मिनट दूर है। बीच में और कोई गांव आता है तो आपको दिखाते हैं इस व्लॉग में। और हम चल रहे हैं अभी आपका संडी वाया, संडी से लवन, लवन बगल में कहीं जाने का रास्ता कटा हुआ है। ग्राम पंचायत लटेरा, ग्राम पंचायत लटेरा के बाजू में है दोस्तों, सड़क कटा हुआ है ग्राम पंचायत लटेरा जाने के लिए। उसी का है वो गोठान जो बगल में हमको रोड की उस तरफ दिखा, ग्राम लटेरा। ये ब्रिक्स निर्माण वाला क्या? हाँ भैया, ब्रिक्स। आगे कोई बड़ा जगह दिख रहा है दोस्तों। हमारे सामने कोई गांव आ गया दोस्तों, पर उसका किनारा नहीं मिला है अभी। क्या यही वटगन है? नहीं तो कौन सा गांव है? चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं इसके राज। तो पर्दा खोलते हैं, ये कोई छोटा सा नाला आ गया है या बड़ा नाला है पता नहीं। स्टाफ डैम लगा हुआ है, पहले कुंवाडी है, नहीं ग्राम पंचायत सहाड़ा, सहाड़ा या सहाड़ा है ग्राम पंचायत कुंवाडी, ग्राम सहाड़ा, ग्राम पंचायत कुंवाडी, ग्राम साड़ा है ग्राम पंचायत कुंवाडी आशीष ग्राम। क्या सरसों के पीले फूल जी, इधर गेहूं का देख रहे दोस्तों उसको, धान भी कई लोग बोए हैं पर गेहूं सर्वाधिक है, गेहूं और आपका सरसों। जैसा पंजाब में होता है ना पीले हरे रंग का मिक्सिंग, वैसी ग्राम साड़ा। ग्राम सहाड़ा बात कर रहे हैं दोस्तों, सहाड़ा या सहाड़ा जैसे भी है, ग्राम पंचायत कुंवाडी के आश्रित ग्राम, ग्राम सहाड़ा। और हम चल रहे अभी संडी खरतोरा रोड से लवर रोड। ग्राम सहाड़ा और वटगन हम पहुंचने वाले हैं लगता है दोस्तों। जैसे जैसे मुझको एक्सपीरियंस होता जा रहा है वैसे वैसे मेरा व्लॉग में सुधार करता जा रहा हूं दोस्तों। अभी इस व्लॉग में 3 टेम्पल भी सेट करके रखा हूं, जिसके लिए मुझे पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। कितने सीढ़ी है पता नहीं दोस्तों। और उन मंदिर तक पहुंचने के लिए उसको कितना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, मैं चढ़ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा और कितना टाइम लगेगा पता नहीं। और शायद हम वटगन आ चुके हैं दोस्तों, शायद बेकरी कुरकुरे अभी बनता जी।
यहाँ डबल फिकर गराज है। यह क्रॉसिंग रोड है, चौक है वटगन का, और सीधा आपका लवर रोड है जिसमें हमको जाना है। मैं आपको फिर से सेट करेंगे भी भारतीय स्टेट बैंक पलारी, यहाँ से 10 मीटर दूर है हमारे बाएं साइड, और संडी सीधे संडी नहीं है सॉरी लवन सीधा है दोस्तों। ये वटगन निकल चुके हैं क्या, वटगन से निकल चुके हैं, वटगन चौक से वटगन अभी हमने क्रॉस नहीं किया दोस्तों। देखिए वटगन का दूसरा कोना फिर से आ गया हमारे पास, यहाँ से भी जा सकते हैं आप वटगन, पर मैं अब गड़बड़ाएगा क्यों, क्या मोबाइल टावर का क्या हो रहा है क्या इंस्टॉलेशन। आगे उड़ान गांव के लिए चल रहे हैं दोस्तों, वटगन ग्राम वटगन से निकल चुके हैं, और हमारे पीछे गाड़ी के ऊपर गाड़ी है, बच्चे हैं घुस रहे हैं। संडे आज संडे के दिन तो ऐसा होता रहता है, और पता नहीं आजकल मैं संडे क्यों ज़्यादा क्यों घूमता हूँ। ग्राम वटगन के आगे हमने रोहांसी के लिए सेट किया दोस्तों, ग्राम वटगन बहुत बड़ा ग्राम ऐसा लगता है, और चौक भी है वहीं से आप बलारी जा सकते हैं, और उधर आप जो उसका क्रॉसिंग देखा है ना सर, वो पलारी आपका सिरपुर रोड है, या क्या कहते हैं उसका गाँव का नाम याद नहीं आ रहा था, वो गांव का है, सिरपुर भी जा सकते हैं उस रोड से जिसको हमने अभी क्रॉस किया है, पलारी सिरपुर रोड। और हम जा रहे हैं खरतोरा संडी, संडी खरतोरा से लवन रोड, यहाँ देखिए रेत के भरे ट्रक चल रहे हैं, दम 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 दम। ईटा भट्टा, आजकल ईटा भट्टा हर जगह हो गया दोस्तों। जय बजरंग बली छोटा सा, आगे कोई गांव आ रहा है दोस्तों, उड़ान हो गया ग्राम उड़ान शायद, नहीं नहीं मोर धौरा फाटा लिखा दोस्तों, इतना ग्राम धौरा फाटा है दोस्तों। ये पलारी धौरा फाटा है, ग्राम धौरा फाटा के बगल से निकल रहे हैं दोस्तों, पलारी ब्लॉक के धौरा फाटा। आपके गांव से भी गुजरेंगे ग्राम, ये उड़ान आ गया दोस्तों, ग्राम उड़ान रोड के ऊपर उड़ान है, रोड के अंदर आपका दोहरा फाटा। यहाँ डबल ब्रेकर, ये ग्राम उड़ान, विकासखंड पलारी जिला बलौदाबाजार राज जिला बलोजर भट पर ग्राम उड़ान। इसी के बगल से है पिछवाड़े में ग्राम धौरा भाटा, ग्राम उड़ान खेल मैदान के, हाँ खेल मैदान है, फुटबॉल खेलते हैं। ग्राम उड़ान से निकल चुके हैं दोस्तों, हमारे बगल से भी एक रास्ता आके जुड़ रहा है यहाँ पे, पक्की सड़क। ग्राम उड़ान से निकल चुके हैं दोस्तों, ग्राम उड़ान से आगे चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ अभी किसी गांव जाने के लिए रास्ता कटा हुआ है, ततरेंगी जाने के लिए 2.4 किलोमीटर, हाँ भाई
ग्राम दतरेंगी जाने के लिए रास्ता कटा हुआ है दोस्तों। ग्राम उड़ान के आगे ग्राम दतरेंगी जाने के लिए 2.40 मीटर, 2 किलोमीटर 400 मीटर ऐसा कुछ है, 2 किलोमीटर 400 मीटर दूरी, मतलब 2.5 किलोमीटर दूर है मान के चलिए दतरेंगी। और ये कौन सा गांव है लिखा तो कहीं है नहीं, यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों, एक बोर्ड लगा हुआ है सेमरिया, ये ग्राम है सेमरिया।